Welcome to all civil education room. Today I'll discuss heat of hydration. Heat of hydration के बारे में आज जानकारी देंगे. Heat of hydration क्या होता है? Chemical reaction between water and cement compound. Water and cement compound के बीच में जो chemical reaction होता है उसको ही heat of hydration होता है बोलता है. और heat of hydration में heat generate होता है hydration of cement and sufficient heat is generated. Then initial stage of setting heat generation is rapid. Initial stage में heat generate rapidly होता है. After initial period heat generation slowly होता है. Then next point is to dissipate this heat special care need to be taken. ये जो heat generate होता है इसको इसके लिए एक special care लेना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हीट जनरेशन की वजह से सिंकेज क्रैक और टेम्परेचर क्रैक हो सकता है. इसके लिए तो केयर लेना ज़रूरी होता है. जैसे मास कंक्रीटिंग वर्क जब होता है उसमें लो हीट सीमेंट के यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लो हीट सीमेंट में जो सेटिंग पीरियड हो है तो ज़्यादा होता है सेटिंग पीरियड. हार्डनिंग भी धीरे से होता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बराबर ओपीसी की बराबर ही होता है. ठीक है, तो इसका जो लो हीट सीमेंट का जो फ़ायदा है वो हीट जनरेशन कम होता है. इसके लिए सिंकेज क्रैक और थर्मल क्रैक डेवलप नहीं होता है. दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू.